नमस्कार दोस्तों, आज लाए हैं हम बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं, और हम वही प्रश्न लाते हैं जो पिछले या परीक्षाओं में आ चुके हैं। हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया एक एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से देखिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी मिल जाए, ठीक है। और हमारे इस चैनल को जीके बूम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन है अपना, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो देखिए अपना इसे ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है प्रतिजन, दूसरा है प्रतिजैविक, सी है अपना रोग प्रतिकारक, टी है अपना रोगाणु रोधक। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अपने इसमें हो जाएगा बी, प्रतिजैविक, ये सही हो जाएगा, प्रतिजैविक अपना सही हो जाएगा, तो बी हो जाएगा अपना राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। कौन सा? प्रतिजैविक, ध्यान रखना। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूध के द्वारा निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। तो प्रोटोजोआ है अपना ये, बी है बैक्टीरिया, सी है वायरस, डी है अपना निमेटोड। तो देखिए इसमें से अपना बैक्टीरिया ये सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, तो अपना बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध से दही जमता है। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है, तो किसके द्वारा जमता है? बैक्टीरिया के द्वारा, तो अपना सी हो जाएगा सही, बैक्टीरिया के द्वारा दूध से दही जमता है, तो सी अपना इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एलिसा परीक्षण किसके निर्देश में किया जाता है, जो एलिसा परीक्षण होता है वो किसके लिए किया जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा, ये है एडस, बी टाइफाइड, सी पोलियो और डी कैंसर, तो अपना हो जाएगा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए एलिसा परीक्षण का पता करने के लिए, एलिसा परीक्षण से एड्स होता है जो, इसको पता करने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है, ठीक है, तो अपना ए हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, एड्स का पता करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये रोग कैसे फैलता है? ये रोग फैलता है रक्त संचरण से फैलता है, ठीक है, किससे? रक्त संचरण के द्वारा फैलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैरासीटामोल किसकी उपयोग में लाया जाता है, पैरासीटामोल किसी उपयोग में लाया जाता है। ए है अपना शरीर के दर्द निवारण में, बी है प्रतिजैविक के रूप में, सी अपना नासल ड्रॉप के रूप में, इनमें से कोई नहीं। देखिए अपना ये ऑप्शन सही हो जाएगा, शरीर के दर्द निवारण में, ठीक है, पैरासीटामोल किसके उपयोग में लाया जाता है? शरीर के दर्द निवारण में, तो अपना हो जाएगा एज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक्स है। देखिए अपना बताया हमने, ये अपना हो जाएगा बी पैरासीटामोल, अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, किंडमन क्या है? हार्मोन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या जैविक उत्प्रेरक है? किंडमन क्या है, आप लोगों को बताना है किंडमन क्या है, बताइए दोस्तों जल्दी। तो देखिए अपना हो जाएगा इसमें डी आंसर सही हो जाएगा, जैविक उत्प्रेरक, किंडमन क्या है? जैविक उत्प्रेरक, तो अपना हो जाएगा डी राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, पनीर बनाने में किस किंडमन का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए दोस्तों जल्दी। देखिए अपना हो जाएगा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा, रेनिन, किसको उपयोग किया जाता है? रेनिन को उपयोग किया जाता है पनीर बनाने के लिए, ठीक है, पनीर बनाने के लिए रेनिन का उपयोग किया जाता है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे हुए उन्हें क्या कहा जाता है, जो नदियों में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है पौधे को? पहला है अपना प्रवाल या शैवाल या फंगस या अमीबा। तो देखिए उन्हें कहा जाता है अपना क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है शैवाल, तो अपना बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, एपिकल्चर किससे संबंधित है? देखिए एपिकल्चर है अपना किससे संबंधित? मधुमक्खी, ये अपना सही हो जाएगा, मधुमक्खियों से संबंधित है। और मछली से संबंधित कहते हैं पीसी कल्चर किसे मधुमक्खी पालन को, ठीक है, पीसी कल्चर हो जाएगा मधुमक्खी पालन का। और रेशम कीट के बारे में बता दें तो सेरीकल्चर होता है, क्या होता है? सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन का, ठीक है सेरीकल्चर, तो अपना इसमें हो जाएगा अपना इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, किसके क्या संबंध है? मधुमक्खी पालन के लिए, ठीक है, तो अपना हो जाएगा एज राइट आंसर, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, पीसी कल्चर एपिकल्चर का ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीट निम्नलिखित में से संबंधित हैं
कीट हैं निम्नलिखित में से संबंधित है, कौन से किस में आते हैं मतलब कीट, अपना ए है पोरीफेरा, बी है सिलिट्रेडा, सी है एनिलिडा और डी है अर्थपूरा, तो बताना है आप लोगों को। देखिए अपना इसमें हो जाएगा, अपने इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा कीट है जो किस संघ में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत तो आते हैं, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें से 70% होती हैं जो 70% जीव जंतु वो इसी आर्थ्रोपोडा संघ से आते हैं। ठीक है, चलिए अगर देखते हैं, प्राय किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है, बताइए किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है। देखिए इसका अपना ये ऑप्शन सही हो जाएगा, केंचुओं को किसको कहा जाता है, केंचुओं को किसान का अच्छा मित्र किया जाता है क्योंकि इसके मल में यूरिया पाया जाता है, इसके मल में होता है यूरिया पाया जाता है जो कि खेती के लिए बहुत ही लाभदायक है, यूरिया पाया जाता है इसके मल में, यूरिया पाया जाता है क्योंकि इसलिए इसे किसान का मित्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो पेट के जीवाणुओं को नाश करता है, बताइए दोस्तों, तो इसमें अपना हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, HCl अपना हो जाएगा, HCl हो जाएगा राइट आंसर, यह है जो पेट के जीवाणुओं को नष्ट करता है और ये आमाशय से स्रावित होता है। ठीक है, आमाशय से स्रावित होता है। चलिए अगला देखते हैं, समुद्री ककड़ी निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है, समुद्री ककड़ी है सीकुम्बर कहते हैं जिसको, निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है, ये अपना एक समुद्री शैवाल या एक समुद्री कशेरुकी या सलाद के एक सब्जी, क्या है ये समुद्री ककड़ी, तो देखिए ये सब्जी नहीं है ना सलाद है ना एक मछली है, ये अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक समुद्री कशेरुकी है, तो अपना बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए चींटी के पैर कितने होते हैं, चींटी होती है जो उसके पैर कितने होते हैं, ये आप लोगों को बताना है, चींटी के कितने पैर होते हैं बताइए दोस्तों, अपना ये ऑप्शन सही हो जाएगा, चींटी के 6 पैर होते हैं, कितने पैर होते हैं, 6 पौधे होते हैं, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जितने भी जीव जंतु कीट पौधे होते हैं 70% पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा में, तो चींटी भी होती है ये आर्थ्रोपोडा संघ में पाई जाती है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ में पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं, सामान्यता 12 निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे में वो संक्रमित कहते हैं, 12 है जो इनमें से कौन से उसको छोड़कर और पूरे समस्त पौधों को नष्ट कर देते हैं, जैसे प्लाइज है, मज्जा है, कांटे हैं, तनाग्र है, तो बताइए, तो इसमें अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए 12 से वो तनाग्र को छोड़कर पूरे पेड़ों को नष्ट कर देता है, तो अपना डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, तो देखिए फ्लेजिला या एट्रिक्स या रोटस्ट या अपने ऑप्शन है, तो अपने इसमें हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लेजिला कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग, बताना है आप लोगों को। देखिए ये ऑप्शन है अपना परजीवी पौधों में, बी है अधिपादपीय पौधों में, सी अपना लेग्युमिनस पौधों में, डी है इनमें से कोई नहीं, नाइट्रोजन फिक्सिंग कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका हो जाएगा अपना सी आंसर इज राइट हो जाएगा, लेग्युमिनस पौधों में। देखिए चलो और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कृपया एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोफोबिया बीमारी है वो इनमें से कौन सी होती है, खसरा की बीमारी को कहते हैं या क्षय रोग की कहते हैं या फिर रेबीज की कहते हैं या मलेरिया की कहते हैं, तो आप लोगों को बताना हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। देखिए जो हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है वो कौन सी होती है, अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेबीज, हाइड्रोफोबिया बीमारी रेबीज वायरस होता है जो रेबीज से होती है। देखिए यह रोग कुत्ते के काटने से होता है, रेबीज रोग होता है जो कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, यह रोग कुत्ते काटने से होता है, इससे जिस व्यक्ति को हो जाता है उसको पानी से बहुत डर लगता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं, उसको पानी से डर लगता है और कई कई बार तो वो कुत्ते की तरह भौंकता भी है। ठीक है, रेबीज बीमारी होती है, एक हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है जो रेबीज बीमारी से होती है जो कि कुत्ते के काटने से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है, देखिए इससे पहले क्वेश्चन बता दिया हमने कुत्ता काटने पर कि बचपन में कि 5 वर्ष की उम्र में कि सांप काटने पर, देखिए इससे पहले बता दिया था कुत्ते का काटने पर एंटीबायोटिक रेबीज का टीका लगाया जाता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता, वह बीमारी कौन सी है जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता? देखिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सिकल सेल या हीमोफीलिया या मलेरिया या कैंसर। देखिए इसमें अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक अनुवंशिक रोग है, ठीक है, ये कौन सा अनुवंशिक रोग है जिसको ये हो जाता है, उसको खून का थक्का नहीं जमता है। देखिए यह बीमारी सर्वप्रथम महारानी विक्टोरिया में पाए गए थे ये लक्षण, ठीक है, ये महारानी विक्टोरिया पाया जाता है, जिसको भी ये रोग हो जाता है उसको खून का थक्का नहीं जमता, ठीक है, इसे हीमोफीलिया अनुवंशिक रोग कहते हैं, अनुवंशिक रोग भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? देखिए टाइफाइड से मानव शरीर का कौन सा अंग है जो मुख्य रूप से प्रभावित होता है? देखिए अपनी जो टाइफाइड से जो रंग अंग प्रभावित होता है वो होता है डी ऑप्शन, आंतें, टाइफाइड से आंतें प्रभावित होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है या संबंधित है? एपिडर्मिक रोग है किससे संबंधित है? गला से, कान से, त्वचा से या नाक से, किससे संबंधित है? देखिए अपना एपिडर्मिक रोग है जो त्वचा से संबंधित है, त्वचा में जो रोग होते हैं उसे एपिडर्मिक रोग कहते हैं, जो भी रोग होते हैं त्वचा से संबंधित उसे एपिडर्मिक रोग कहते हैं, ठीक है। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिटनेस बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है? टिटनेस बीमारी है जो टिटनेस से तो जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये अपना बी ऑप्शन से हो जाएगा, लॉकजा। टिटनेस बीमारी को लॉकजा भी कहते हैं, तो अपना बी हो जाएगा ये राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो कृपया करके पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है, किसकी बीमारी है? एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है, देखिए कानों की है कि आंखों की है कि नाक की है कि गले की है, तो बताइए। देखिए इसमें अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंखों की, ये आंखों की बीमारी है, ठीक है, आंखों की। एस्टिगमेटिज्म एक आंखों की बीमारी है। तो चलिए और क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जेक्यूबम को, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ दोस्तों।